हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन में। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए 50 ऐसे डेली यूज वर्ड्स जिन्हें सीखने के बाद आप आज और अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। हर एक वर्ड के साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, उस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप भी आसानी से उनको यूज़ करना सीख जाओ। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है मैनेज। मैनेज का मतलब होता है संभालना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मैनेज एवरीथिंग, यानी कि मैं सब संभाल लूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना, जैसे कि पैसे कमाना बोलते हैं ना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अर्न बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, हाउ मच डू यू अर्न, यानी कि तुम कितना कमाते हो, कितना पैसा तुम कमा लेते हो, हाउ मच डू यू अर्न। नेक्स्ट पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव पेन इन माई नेक, यानी कि मेरी गर्दन में दर्द है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव पेन इन माई बैक। ओके, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट इज एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि जो असली है उसको। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट नो द एक्चुअल रीज़न, मुझे वास्तविक कारण नहीं पता, यानी कि जो सही कारण है, जो असली कारण है वो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड इज शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट शाउट ऑन मी, यानी कि मुझ पर चिल्लाओ मत या मुझ पर मत चिल्लाओ। नेक्स्ट इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना या किसी को सूचना दे देना किसी चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही डिडंट इन्फॉर्म मी, यानी कि उसने मुझे सूचित नहीं किया, उसने मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। नेक्स्ट सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना, किसी चीज़ को चुन लेना, सिलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन सिलेक्ट एनी ड्रेस, यानी कि तुम कोई भी ड्रेस चुन सकती हो, कोई भी ड्रेस अपने लिए ले सकती हो। नेक्स्ट रिस्क। रिस्क का मतलब होता है खतरा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो रिस्क इन दिस जॉब, यानी कि इस काम में कोई खतरा नहीं है, एकदम सेफ है। नेक्स्ट ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना। एग्जाम्पल देखिए, शी ड्रॉप्ड हर हैंकी, यानी कि उसने अपना रुमाल गिरा दिया। नेक्स्ट परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस, यानी कि हमने एक नया घर खरीदा है। नेक्स्ट वर्ड रीज़न। रीज़न का मतलब होता है कारण। फॉर एग्जाम्पल, वट इज़ द रीज़न ऑफ कमिंग लेट, यानी कि देर से आने का क्या कारण है। नेक्स्ट वर्ड बेटर। बेटर का मतलब होता है बेहतर, यानी कि आप पहले से बेहतर हो। एग्जाम्पल देखिए, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, यानी कि मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जब हम बीमार हो जाते हैं उसके बाद कोई पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। नेक्स्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, यानी कि वह एक कार दुर्घटना में मारा गया। देखते हैं अगला वर्ड अपना, दैट इज फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट फॉलो मी, यानी कि मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे पीछे मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। नेक्स्ट इज अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट एवर कॉल मी अगेन, यानी कि मुझे दोबारा कभी फ़ोन मत करना। नेक्स्ट वर्ड फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। एग्जाम्पल देखिए इसका, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, यानी कि पहले लायक बनो फिर इच्छा करो।
नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। एग्जाम्पल देखिए इसका, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, यानी कि इस बात को आगे मत खींचो, इस बात को आगे मत बढ़ाओ। नेक्स्ट इज डोनेट। डोनेट का मतलब होता है दान करना। एग्जाम्पल देखिए, ही डोनेटेड एवरीथिंग टू द पुअर, यानी कि उसने सब कुछ गरीबों को दान कर दिया। नेक्स्ट रस्टिक। रस्टिक मीन्स होता है देहाती। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रस्टिक, तुम एक देहाती हो। नेक्स्ट कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, यानी कि मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना किसी को, जैसे कि लगातार किसी को देखते रहना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेयर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, डोंट स्टेयर एट मी, यानी कि मुझे मत घूरो या मेरी तरफ मत देखो इस तरह से। नेक्स्ट इज मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मीट यू, यानी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट बास्क। बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बास्किंग इन द सन, यानी कि वह धूप सेक रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट सी द ग्रूम, मुझे दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, यानी कि तरक्की करना, किसी काम में आगे बढ़ते रहना। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, यानी कि तुमने बहुत प्रगति की है। नेक्स्ट इज बैड लक। बैड लक का मतलब होता है दुर्भाग्य। फॉर एग्जाम्पल, इट्स माई बैड लक, यानी कि ये मेरा दुर्भाग्य है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत। फॉर एग्जाम्पल, आई रिस्पेक्ट यू सो मच, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जॉबलेस। जॉबलेस का मतलब होता है बेरोजगार। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन जॉबलेस फॉर 1 ईयर, यानी कि वह 1 साल से बेरोजगार है। नेक्स्ट वर्ड जॉब। जॉब का मतलब होता है नौकरी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ न्यू जॉब, यानी कि मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फनी। फनी का मतलब होता है मजाकिया। एग्जाम्पल देखिए, यू आर सो फनी, यानी कि तुम बहुत मजाकिया हो। नेक्स्ट इज थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल देखिए, डोंट थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट, यानी कि कचरे को गली में मत फेंको। नेक्स्ट इज वॉरियर। वॉरियर मीन्स होता है योद्धा। फॉर एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर, यानी कि महाराणा प्रताप एक बड़े योद्धा थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान। फॉर एग्जाम्पल, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्सल। मॉर्सल का मतलब होता है निवाला, यानी कि जो रोटी का टुकड़ा हम खाते हैं उसको हम मॉर्सल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई जस्ट नीड अ मॉर्सल, मुझे बस एक निवाला चाहिए। नेक्स्ट इज पॉरिज। पॉरिज का मतलब होता है दलिया। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक पॉरेज, यानी कि मुझे दलिया पसंद नहीं है। नेक्स्ट इज ग्लटन। ग्लटन मीन्स होता है पेटू। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड मी अ ग्लटन, यानी कि उसने मुझे पेटू बोला। नेक्स्ट टिमिड। टिमिड मीन्स होता है डरपोक। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम नॉट टिमिड, मैं डरपोक नहीं हूँ। हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपाना। फॉर एग्जाम्पल, वट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना। फॉर एग्जाम्पल, रिमूव योर मास्क, यानी कि अपना मास्क हटाओ। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, यानी कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। नेक्स्ट इज सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है राज। एग्जाम्पल देखिए इसका, नोबडी नोज दिस सीक्रेट, यह राज कोई नहीं जानता। यह राज कोई नहीं जानता। नेक्स्ट इज
थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना या किसी को धमकी देना। एग्जांपल देखिए, आर यू थ्रेटनिंग मी, यानी कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो या क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। नेक्स्ट इज डिफ्लेट, डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकालना। फॉर एग्जाम्पल, समवन डिफ्लेटेड माई टायर्स, यानी कि किसी ने मेरे टायरों की, यानी कि किसी ने मेरी गाड़ी के टायरों की क्या निकाल दी, हवा निकाल दी। नेक्स्ट इज परसुएड, परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना या किसी को राजी कर लेना। एग्जाम्पल देखिए, आई विल परसुएड हर, मैं उसे मना लूँगा या मैं उसे राजी कर लूँगा। नेक्स्ट इज पिक पॉकेट, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ पिक पॉकेट, वह एक जेब कतरा है। नेक्स्ट इज पपेट, पपेट का मतलब होता है कठपुतली। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट योर पपेट, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नीड, नीड का मतलब होता है गूंथना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नीडिंग द डो, वह आटा गूंथ रही है। आटे गूंथने को क्या बोलेंगे, नीड बोलेंगे, यहाँ पे के हमारा साइलेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड इज रॉटन, रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, दिस एप्पल इज रॉटन, यानी कि यह सेब सड़ा हुआ है। हमारा आज का लास्ट वर्ड है स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब होता है चटपटा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक स्पाइसी फूड, मुझे चटपटा खाना पसंद है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 50 वर्ड्स। देखा आपने सभी वर्ड्स को एग्जाम्पल के साथ हम कितने आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब आप भी इन वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस के साथ बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, ये वर्ड्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।